Hello. 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 अरे पहचाना कि नहीं? अरे भैया कोई नहीं पहचानता है हमें, आप हर बार हमारी बेइज्जती कराते हैं, ऐसी कोई इज्जत नहीं है। चलिए अपने आप इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, तो जो लोग हमें नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मैं हूं अपूर्व चौरसिया और ये मेरा कैमरामैन छोटू और आप देख रहे हैं राजभाषा चैनल। सबसे पहले हम आपकी यादें ताजा करा दें। पिछले साल हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए थे अपने इस कार्यक्रम के पहले अध्याय के साथ, जिसका विषय था सबसे अच्छी नौकरी किसकी। इस साल भी हिंदी दिवस के अवसर पर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं उसी कार्यक्रम के अध्याय 2 के साथ, और इस बार हमारा विषय है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। कट। बढ़िया बोले ना। क्या बोले थे? मतलब क्या बोले थे? अच्छा बोले ना। दो तीन लोग तो भाग गए। कौन भागा भाई? अरे पकड़ लाएंगे। लेकिन आप एक बात बताना भूल गए। कौन सी? अरे अब की बार हम लोग के पास बजट है और हमारी जनता है, ये भी पार्टिसिपेट करेगी, वो तो आप बताना ही भूल गए। थोड़ा प्रकाश डालिए। अरे कैम छोटू, कैमरे पीछे रहता सब याद रहता है तुम्हें, हमको मालूम है हमारे बिना आपकी नैया डूब जाएगी ना। ठीक है, तो इस बार कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार कार्यक्रम के अंत में एक विजेता चुना जाएगा, और विजेता कौन चुनेगा किसी को पता है? नहीं ना। विजेता चुनेंगे आप लोग, यहाँ की जनता, जनता जनार्दन, एक बार जोरदार तालियां। और एक बार कार्यक्रम के अंत में जो भी जीतेगा उसको हम इनाम भी देंगे, क्योंकि आपकी राजभाषा विभाग से हमें बजट भी मिला है, जिसके लिए हम पंचदा मैडम, अमर सर और हमारे सुबह सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कृपया इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए तो इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रतिभागी कौन है। जय माता दी, लेट्स रॉक। अरे सर, सर नमस्ते। सर हम लोग राजभाषा विभाग राजभाषा कार्यक्रम चैनल से आए हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगर आपको उत्तर हमारी जनता को पसंद आया तो आप इनाम भी जीत सकते हैं। प्रतियोगिता है, आप जीतेंगे आपको इनाम मिलेगा और फ्री में टीवी पे आ रहे, इतना काफी नहीं है क्या? ओके, पूछो सवाल। हाँ, पहले बताइए आपका नाम क्या है? कर्षन दास परमार। मैं गुजराती छू। क्या बात है। परमार भाई करते क्या है आप? हमारा कपड़े का दुकान है। क्या बात है। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मनी, पैसा। क्या बात है, पैसा। ऐसा क्यों? क्योंकि ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा भैया। Think it out, think it out, think it out। कैमरामैन बनने हो, नाचने आए भाई। सॉरी भैया, डांस निकल गया ना। बढ़िया गाना गाया भैया ने, तुम रिकॉर्ड किए कि नहीं? हो गया। वो है ना सही से? हाँ भैया बोले बोले आगे। देखो पैसा है ना तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पूरी दुनिया है ना पैसों से ही तो चलती है। अरे भाई तेरे पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, नहीं तो दुनिया के लिए ऐसा वैसा है। क्या बात है सर, क्या बात बोली है। पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, वरना दुनिया के लिए तू ऐसा वैसा है। बहुत बढ़िया सर, क्या जवाब दिया सर आपने। ऐसा करिए सर, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बस कार्यक्रम के अंत में पता चलेगा आपको इनाम मिलता है कि नहीं। ठीक है, आइए आइए। ऐसे मुझे नाश्ता भी तू? अरे अब निकल आया, क्या करें, कंट्रोल करो डांस अपने। अरे भैया वो पुराने बाबा जी पिछले साल वाले हरेली से आए थे, आप उनसे बात करिए, हम नहीं करेंगे। बाबा जी प्रणाम। कौन हो भाई, पहचाने कि नहीं? नहीं। अरे पिछले साल मिले थे, याद करिए, आप बोले थे हवेली पे आना। अरे हाँ, तुम तो हवेली पे आए नहीं। बाबा जी हवेली पे कैसे, वैसे रास्ता भरसता भूल गए। अच्छा अच्छा, चलो आज यहाँ कैसे?
बाबा जी राजभाषा चैनल के लिए थोड़ा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको इनाम भी मिल सकता है। लेकिन पहले तो एक बात हम बता दें, अब हम बाबा नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? अब हम इस एरिया के MLA हैं। क्या बात है। हाँ, चचा विधायक है तुम्हारे। क्या बात है सर, बाबा से सीधा नेता। क्या तरक्की के सर, बाबा सर प्रश्न पूछे थे? नहीं नहीं, पहले आप प्रश्न का हमको जवाब लिख के दीजिए। प्रश्न हम पूछेंगे, जवाब आपको देना है। नहीं, पहले आप हमको जवाब लिख के दीजिए, हम उस जवाब को रट के तोते की तरह आपके सामने बोल देंगे। ऐसे ही तो हम MLA बने हैं। अरे नेता जी, पहले आप बाबा थे, अब आप नेता हो गए, थोड़े थोड़ा ऐसा शोभा नहीं देता आपको। अरे मंत्री जी, अरे थोड़ा जोखिम उठाइए, अपने मन की बात तो बताइए जनता को, क्योंकि हमको पता है अगर वो लिख के देंगे हमारे भैया की लिखाई आप समझ नहीं पाएंगे, और पढ़ना ऐसी आपके बस की बात नहीं। कैमरामैन मजाक उड़ाता है हमारा, जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। गोलियां चलवा दूंगा तुझ पे, गायब करवा दूंगा तुझे। अरे भाई बाब, गलती हो गई, मार दे, दूर हट। ये छोटू तुम गजब गजब संभाल लीजिए भैया। नेता जी, नेता जी, शांत शांत, नौकरी से निकाल दो इसको। अरे निकलवा देंगे, निकलवा, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं का। अरे 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 अरे, पास पास पास, निकाल जी, बस आने। तुम अच्छे लगते हो। तुम पूछो। हम पूछे तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि आपके जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी। कुर्सी? कुर्सी में क्या महत्वपूर्ण है? कुर्सी तो सबके पास होती है, देखिए यहाँ पे सब लोग कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं। तुम चुप रहो, कैमरा ढंग से पकड़ो। अगर हमारा चेहरा सही से नहीं आया, उठा के हवेली पे ले जाएंगे। कुर्सी से मेरा तात्पर्य है सत्ता, पावर, पैसा और मिनिस्टर। क्या बात है, क्या जवाब है, बिल्कुल टशन है, मतलब क्या बात है। पहले तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत हमारी पार्टी को बहुत है। ऐसा क्या? हाँ, शाम को पार्टी कार्यालय पे आइए, बैठ के भविष्य के बारे में चिंतन करेंगे, और अगर लेट हो जाए तो संकोच मत करिएगा, बोल दीजिएगा, हम गाड़ी भिजवा देंगे, भिजवा देंगे, सीधा हवेली आ जाइएगा। हम कार्यालय आएंगे, सुबह खुलते ही दरवाजा हम ही खोलेंगे कार्यालय का, चिंता ना करिए। और हाँ जनता, हम आपको कह दे रहे हैं, हमें ही चुनिएगा, क्योंकि हम आपके एरिया के MLA हैं। गोली भी चलवाओ क्या हम पे? तुम अभी शादी भी नहीं हुई है हमारी। पर तो हमारी कौन सी हुई है भाई? क्या सपने देखे हमने? हमने भी देखे। तो शूट करो ना फिर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अरे देखिए पीछे वो एक चिंतित सा आदमी देख रहा है, देश का नौजवान लगता है। अरे भैया परेशान आदमी। अरे भैया इधर 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 इधर। परेशान लग रहा, क्या बात है? परेशानी तो है भाई, अभी ठीक है ना? अरे भैया माइक पे बोलवाइए ना। अच्छा अच्छा भैया, हम राजभाषा चैनल से हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, अगर आपका जवाब हमारी जनता को पसंद आया तो आप इनाम भी जीत सकते हैं। जरूर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आपको? पहले बताइए आपका नाम क्या है? वेंकटपति राजू। क्या बात है, करते क्या सर आप? पढ़ाई किया हूँ, अभी बेरोजगार हूँ। पढ़ाई किए हैं और बेरोजगार भी करते हैं, ऐसा कौन सा काम? चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न पे आते हैं। आज का प्रश्न ये है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नौकरी, सबसे इम्पोर्टेंट नौकरी है। तो बात से जवाब दे दे, बिल्कुल नौकरी। ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ रहे हैं भाई? ये तो बहुत मुश्किल की कोशिश। अरे क्या हो गया? मेरा माँ बोलती थी बारह तक पढ़ो तुमको नौकरी मिल जाता है, बाद में बोलती है डिग्री पढ़ो, बाद में बोलती है मास्टर्स पढ़ो, बाद में वो कोर्स करो, ये कोर्स करो, सब कोर्स करना। अब तो नौकरी नहीं मिला। अभी देखो PhD वाले भी लाइन में लगा रखा है जॉब के लिए। अभी देखो 2015 में मैं एग्जाम लिखा हूँ, अब तक रिजल्ट नहीं आया, क्या करूँ मैं? परेशान मत होइए, अपनी काबिलियत पर भगवान पर भरोसा रखिए, आप काबिल है तो नौकरी जरूर मिलेगी आपको, ठीक है? परेशान मत होइए, ठीक है? वो छोड़िए, आप ये बताइए कि नौकरी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? सही सवाल पूछ लिया। नौकरी है तो पैसा है, पैसा है तो खूबसूरत बीवी मिलेगी। क्या बात है, अच्छा होगा। अरे वाह, हमें परिवार बनेगा, हम सदा के लिए सुखी रहेंगे। क्या बात, देखना छोटू भैया की प्लानिंग पूरी है, बस नौकरी मिली नहीं, शादी बच्चा सब रेडी बैठे। आपका चैनल में छोटा सा जॉब मिल सकता है? कैमरा मैन जैसा छोटा सा, ऐसा? हाँ।
हमारा जॉब छोटा जॉब है, तुम हमारी नौकरी खाओगे। अरे रुकिए, तुम हमारी नौकरी खाओ, तुम बैठो, जनता का जवाब मिल जाएगा। और नौकरी छोड़ो, पहले सेहत पे ध्यान दो। अरे भाई, सेहत देख रहे हो तो आप जाके समझाइए उसे। अरे जाएगा वो, समझ रहे हो? नहीं, शांत रहो तुम, बिल्कुल हमारी नौकरी खाएंगे। वैसे एक बार सही बोलिए आपने, सेहत पर ध्यान दीजिए, थोड़ा तेज चिल्लाकर बोल जाते हैं। हाँ हाँ, आएगा आएगा। भाई तुम कर क्या रहे हो? बस आपके यहाँ हवेली भेज देंगे आपके। बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज। तुम चिंता मत करो, आपके नेता जी ने हम तुमको नौकरी से निकालेंगे, बता देंगे। आप भी हमारा सपोर्ट नहीं करते, बोलने का मौका देते हो। ठीक है, शांत रहो बिल्कुल। ठीक है ठीक है, देखते हैं अगला कौन। हाँ सर, अरे सर कैश लेके आ जाइए, सर 4 बजे आ जाइएगा। सर आपके लिए कैश क्या, पूरा आर्मी खुलवा देंगे। हाँ हाँ, आ जाइए सर, आइए। ओ मैनेजर साहब, पहचाना? अरे पहचाना कि नहीं, शतम से तो एनपीए बोर्डर लग रहे हो। एनपीए बड़ी बड़ा होता है, बड़ा होता है। अरे मैनेजर साहब, पिछले साल आप हमको इसी चैनल पे मिले थे। हाँ। हमने आपको 100-100 रुपए दिए थे पेंशन योजना खोलने के लिए। अरे वो अटल पेंशन योजना याद करिए, अटल जी अमर हो गए, हमारा भला कर गए। तुम दोनों का एपीवाई अकाउंट खोला था ना? हाँ, हाँ। पिछले साल तो तुम दोनों की हालत बहुत खराब थी यार। आपकी की तरह इस साल फिर भी सही लग रहे हो, कंपनी से पैसा मिलना शुरू हो गया क्या? अरे हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इंश्योरेंस है तुम लोगों की? अरे कितनी जिम्मेवारियां हैं तुम पर यार। अभी अभी ना हमारे बैंक ने 2 कंपनियों से टाई अप किया है, बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट में। इंश्योरेंस ले लो, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। अरे इसको क्या हो गया? अरे छोटू भैया, क्या हुआ छोटू? ये आदमी नहीं, भगवान है भैया। इतना तो हमारे माँ बाप कभी हमारे लिए सोचे, पिछले साल ही हमको पेंशन दिला रहे, अभी हमको इंश्योरेंस दिला रहे। अरे आप बहुत परोपकारी आदमी है, आप बहुत नेक आदमी है, आप पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। आपके जैसा मैनेजर ही नहीं हो सकता। अरे अरे मैनेजर नहीं, अब सीनियर मैनेजर हो गए हैं, प्रमोशन हो गया है हमारा। क्या बात, साहब से बड़े साहब बन गए। क्या बात, और क्या चल रहा है इस बार? सर इस बार भी छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आपका जवाब जनता को पसंद आ गया तो आप इनाम भी दे सकते हैं। इनाम मतलब इंसेंटिव मिलेगा? हाँ हाँ भाई, ठीक है, पूछो पूछो। तो सवाल ये है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टारगेट। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है टारगेट। कासा टारगेट, टेल टारगेट, एओटी टारगेट, अपाची टारगेट, नेक्स्ट जंक्शन, मोबाइल बैंकिंग टारगेट, टारगेट, टारगेट। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है, आपके टारगेट है, उसको पूरा करते रहो, नौकरी भी चलती रहेगी और जिंदगी भी चलती रहेगी। क्या जवाब दिए सर, मतलब बैंकर की जिंदगी में टारगेट से बड़ी चीज होती ही नहीं है। टारगेट पूरे करते रहो, जिंदगी भी सही और नौकरी भी सही। क्या बात है, क्या जवाब दी सबको। सर ऐसा नहीं, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस थोड़ी देर में पता चलेगा आप जीते हैं कि नहीं। बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। यार मैंने तो यार एनपीए बोरा से मिलने जाना था। अरे इधर आ सकू, 2 मिनट आओ। अरे सर वो कैमरा मैन सर, उसको नहीं पता। अरे अरे एक मिनट, फोटो भी देंगे सर। टारगेट मंथली अचीव, कासा टारगेट ऑलरेडी अचीव, मोबाइल बैंकिंग टारगेट रेगुलरली अचीव, एपीवाई टारगेट इज ऑल्सो अचीव। अरे इसमें तो हमें पुरस्कार भी मिला था। लोन टारगेट विल ऑल्सो बी अचीव्ड, यू आर फेथफुली सीनियर ब्रांच मैनेजर। क्या कर रहे हैं? अरे आजकल व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग होती है यार। और ये हो गया डे एंड। हाँ अब बोलो क्या करना है। हाँ हाँ यही से हो गया। ठीक है सर, आपका लोन दे दो आपको। सर थोड़ा डिपॉजिट दे दीजिए। ओ नेता जी, नहीं आपसे नहीं चाहिए। खाना पता खाओ यार, क्या करते हो? सेहत बनाओ। हम बोले ना भैया महापुरुष।
महापुरुष जहाँ जाता है बस खुशियाँ बांटना चालू, ये ले लीजिए वो ले लीजिए बस खुशियाँ। अरे भैया बैंकर जहाँ जाता है खुशियाँ भी खेलना चाहता है, लोग समझते नहीं है यार क्या करेंगे। भैया कौन बोल रहे भाई? अरे मोहतरमा आई आपको बोल रही है। अरे भैया आप तो हमारे मतलब अपने आप लोग आके चैनल में भाग लेना चाह रहे हैं, भाग ही खुल गए हमारे। सुना है मतलब सही है मतलब एक मिनट फोकस अपूर्व फोकस भैया फोकस एकदम ठीक है कैमरे का, आप अपना फोकस बढ़ाइए। मैडम आप खुद चल के यहाँ आइए, बहुत अच्छा लगा हमें। मैडम कुछ नहीं बस हम एक सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब देना है बस। So sweet, कितनी जल्दी मार। मैडम सवाल ये है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? मैडम उड़ा दो जबकि हम ही लिखे हैं। तो मेरा दिन ही नहीं चलती है, फिर व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम स्नैपचैट हैशटैग, घर का काम करना, बच्चों को संभालना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फैमिली का देखभाल करना। और एक चीज पूछी थी आपने इतनी लंबी लिस्ट बता दी, चलिए कोई बात नहीं आपका जवाब अच्छा लगा। अब क्या कर सकते हैं, हम औरतों के लिए हर एक चीज इम्पोर्टेंट होता है, हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। बात तो सही है, लेडीज लोगों को हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ऑफिस भी देख लो घर भी देख लो सब कुछ देख लो। चलिए मैडम आपका जवाब हमें अच्छा लगा, आप देखते जनता को पसंद आया कि नहीं। आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए बस आइए। चलिए भैया खत्म करें, खत्म करते हैं बहुत हो गया है। अरे लेकिन एक और मैडम आ रही है इनसे ही बात कर लेते हैं, कर लेते अच्छा लगेगा उन्हें भी। मैडम मैडम नमस्ते मैडम, मैडम एक मिनट मैडम दो मिनट आपसे बात कर सकते हैं? जी जरूर। मैडम हम लोग राजभाषा चैनल से हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपका जवाब अगर हमारी जनता को पसंद आया तो आप इनाम भी जीत सकती हैं, क्या आप भाग लेना चाहेंगी? जी बिल्कुल। तो सवाल कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मेरा देश। किसी ने ऐसा तो बोला ही नहीं यार, सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, देश किसी ने बोला ही नहीं यार। मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि देश की सेवा करने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। देश है तो सब कुछ है, ये रोटी कपड़ा मकान और सबसे जरूरी चीज अभिमान, ये सब देश का ही तो दिया हुआ है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्या जवाब दिया है। मैडम आपका नाम क्या है और पढ़ती क्या है? मेरा नाम हिमानी जैन है, मैं भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हूँ। मैडम मुझे तो पता ही नहीं था भैया कि हमारी भारतीय वायुसेना में महिलाएं भी फ्लाइट उड़ाती हैं। अरे कैसी बातें करें, अब चैनल वालों को पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट हमारे देश भारत में है। अरे हमें पता है, पता है। हमारी देश की सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैडम पर्सनली मुझे तो आपका जवाब बहुत अच्छा लगा, ठीक है अब देखते हैं जनता को क्या पसंद आता है। आप थोड़ी देर यहाँ वेट कर लीजिए, बस थोड़ी देर में घोषणा करने वाले हैं। आइए जी हाँ जनता अब आपकी बारी है, अब आप लोगों को चुनना है कि इनमें से सबसे अच्छा उत्तर आपको किसका लगा, ठीक है जिसके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजेंगी, जिसके लिए आप हाँ बोलेंगे उसी को अच्छा इनाम मिलेगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आए थे हमारे बिजनेसमैन, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पैसा, क्या आप लोगों को इनका उत्तर अच्छा लगा? अगले हैं हमारे नेताजी, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कुर्सी, क्या आपको इनका उत्तर अच्छा लगा? अगले हैं हमारे नौजवान, हालांकि इनके लिए सबसे जरूरी चीज होना चाहिए खाना, बट अभी फिलहाल इनके लिए नौकरी है, क्या आपको इनका उत्तर अच्छा लगा? अगले हैं हमारे माई बाप,
इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टारगेट। क्या आपको इनका उत्तर अच्छा लगा? अगली है हमारी मैडम। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है फैमिली। क्या आपको इनका उत्तर अच्छा लगा? अरे जनता आपको चुनना है, सही से बोलिए। चलिए कोई नहीं। और अंत में हमारी भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिस हिमानी जैन। इनके लिए देश सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपको इनका उत्तर अच्छा लगा? क्या बात है। तो आपके आपके चुनाव के तहत हमारी आज की विजेता है मिस हिमानी जैन। मैडम प्लीज 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 आइए आइए आइए। अब जनता ने कहा है कि हमारे ब्रांच मैनेजर जी को भी मिलना चाहिए, तो हम एक साथ दोनों को देंगे। आइए आइए आइए। जय हो जनता जनार्दन की। क्या निर्णय लिया है आपने? मतलब अब आप मेरी पर्सनल गुजारिश है आपसे, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो भी काम करेंगे देश के हित में करेंगे, देश के भले के लिए करेंगे। विकास होगा, बदलाव आएगा, हम लोग लाएंगे बदलाव। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। खुश रहिए, आवाज रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले देश ही है। इस तथ्य को हास्य के साथ पूरी टीम ने जो प्रस्तुति दी है उसके लिए जोरदार आभार।